Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will discuss about the antidepressants. We all know that depression is one of the most treatable mental illness. Actually, depression is a common clinical condition associated with the feeling of sadness, loss of interest, self-neglect, anorexia, sleep disturbances, suicidal feelings, only in severe cases, है ना? भाई क्या होता है, ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन हर समय दुखी दुखी महसूस हो रहा होता है, उसका हर चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको भूख नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती है, और अगर सीवियर केस हो जाए तो उसके अंदर सुसाइडल फीलिंग आ जाती है, जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का केस पढ़ा था, है ना? इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड कर रहा होता है कि डिप्रेशन किस टाइप का हो और कितनी सीवियरिटी है उस डिप्रेशन की। तो अब ट्रीटमेंट का मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे को पढ़ने हैं। तो डिप्रेशन की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें पैथोलॉजिकली मूड चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट और प्लेजर ख़त्म हो जाता है, खुशियाँ और चाहत सब ख़त्म हो जाती है, हर समय गिल्ट की फीलिंग आ रही होती है मन के अंदर कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, लो सेल्फ वर्थ, खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है, कंसंट्रेशन नहीं रह पाते, किसी चीज़ के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कुछ सीवियर केसेस में कई बार ये फेटल भी हो जाती है, जानलेवा भी साबित हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? डिप्रेस्ड मूड, पूरे दिन भर वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेस ही रहता है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, खुशियाँ जीवन से ख़त्म हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है या फिर वेट गेन होने लग जाता है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सर घूमने लग रहा होता है, थकावट रहने लगती है, एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है। सिम्टम्स हैं किसके? डिप्रेशन के। इसके अलावा भूख बदल जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, खुद के ऊपर खुद से प्यार करना वो बंद कर देता है, खुद पे भरोसा करना बंद कर देता है, खुद को पसंद करना बंद कर देता है, सुसाइड करने के मन में आती रहती है, मारने और मरने का ख्याल उस व्यक्ति के मन में आता रहता है। डिप्रेशन हमने कहा भाई एंटी डिप्रेशन डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिप्रेशन है, तो टाइप में मेजर डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन जिसको अपन डिस्थीमिया कहते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन और सीजनल डिप्रेशन, कई बार कुछ पर्टिकुलर सीजन में ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेस पर्सन हो जाता है। डिप्रेशन का एक्चुअली मैकेनिज्म देखिए, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका लेवल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व सेल्स को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका यहाँ पे रोल है, इनका जो लेवल है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है फिजिकल इलनेस की वजह से भी। हो सकता है किसी को ऐसी फिजिकल बीमारी हो तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहता हो कि मैं तो जी नहीं पाऊँगा, मैं दूसरों पर बोझ बना हुआ हूँ, या फिर हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई एब्यूसिव सबस्टांस, नशे की लत जिनको पड़ी हुई होती है, डाइट किसी की सही नहीं है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ब्रेन में इंजरीज की वजह से ऐसा हो जाता है, और कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस भी कई बार ऐसी बन जाती है, आपके आसपास के लोग आपको कुछ पर्टिकुलर बातों पर ऐसा कह रहे होते हैं, जैसे कि एक केस आया था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो न्यूज़पेपर के अंदर, कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता था उसके फ्रेंड्स हमेशा कहते अरे तू तो पबजी में हारता रहता है, जब देखो तो मर जाता है, तो ये बात उसने इतनी सुनी कि उसने सुसाइड कर लिया। तो हो सकता है कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हों, तब भी ऐसा हो जाता है कि पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो अलर्टनेस को एनहांस कर देती है, मतलब जो व्यक्ति बहुत डल था वो अलर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिहेवियर आउटपुट उसका बढ़ जाता है, वो बोलना, हंसना, बोलना, चहकना सब शुरू कर देता है। पोटेंशियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका एक्शन होता है, जैसे डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन। एंटी डिप्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है? सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा देना, क्योंकि हमने कहा ना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम आ गई थी, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा देते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, वो ड्रग्स हैं। इनको हम मॉडरेट हो चाहे सीवियर डिप्रेशन हो, उसके सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए एंटी डिप्रेशन्स का यूज़ अपन कर रहे होते हैं। कम से कम 4-6 महीनों तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तभी अपना अच्छा असर दिखाती हैं। ये दवाइयाँ अकेली भी ली जा सकती हैं, दूसरी कुछ दवाइयों के साथ में भी ली जा सकती हैं।
एंटी डिप्रेसेंट्स कई तरह की होती हैं, जैसे टी सी एज, एम ए ओ आईज, एस एस आर आईज और अदर्स। इनके ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपको याद रखने हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि आगे जो है ये शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पर लिखा हुआ होगा तो आप याद कर लीजिए। इसको अपन निमोनिक भी कहते हैं, एंटी डी भी कहते हैं। दूसरी है मोनो अमाइन या मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसको अपन एम ए ओ के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। इसके अलावा सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेडिसिन है और ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अब इनको हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, ये ड्रग थेरेपी 1950s में आई थी। लेटेस्ट ग्रुप ऑफ ड्रग एजेंट्स है जिसको अपन डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करने के काम में ले रहे हो, तो इसको ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन रिंग्स पाई जाती है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, तीनों रिंग न्यूक्लियस की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, हाई प्रोटीन इनकी बाइंडिंग होती है और लिपिड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। टी सी ए क्लासिफिकेशन इमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, डेसिप्रामाइन, नॉट्रिप्टाइलिन, प्रोटोट्रिप्टाइलिन और डॉक्सेपिन ड्रग्स टी सी ए में आती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक होने से रोकती हैं। इसके अलावा सीरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को, डोपामिन के रीअपटेक को भी रोकती है प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पर, जिसकी वजह से इन ट्रांसमीटर्स का कंसंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाता है। लगभग 4 हफ्ते लगते हैं इन सभी टी सी ए एंटी डिप्रेसेंट्स को अपना इफेक्ट दिखाने में, 4 हफ्ते से पहले इनका इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरी ड्रग है इमिप्रामाइन, ये क्लोजली रिलेटेड है एंटी साइकोटिक ड्रग के, फिनोथायाजिन के जैसी ही होती है ये। फिनोथायाजिन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, उसके जैसी ये इमिप्रामाइन है। ये डिप्रेशन की वाइड क्लास को ट्रीट करने के काम आ रही होती है। प्रोटोटाइप की ड्रग है टी सी ए क्लास की। ये नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो बच्चों में जनरली देखा जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी ये दी जाती है। कई बच्चों की आदत होती है ना रात में बिस्तर गीला करने की, यूजुअली 50 से 150 mg की ड्रग डेली दी जा सकती है। इमिप्रामाइन का थेरापेटिक यूज़ क्या है, सीवियर मेजर डिप्रेशन किसी को हुआ हो, फोबिक या पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी का हो, डर लगता हो, पैनिक एंग्जाइटी किसी को हो गया हो, न्यूरोपैथिक पेन किसी पर्सन में हो रहा हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो लोग जूझ रहे होते हैं, नॉक्टल एन्यूरेसिस तो मैं बता ही चुकी हूँ, बच्चे जो बिस्तर गीला करते हैं 6 साल से बड़े बच्चे, छोटे एकदम छोटे बच्चे तो 1-2 साल के बच्चे तो करेंगे ये चीज़, पर 6 साल से बड़े बच्चे जब ये हरकत कर रहे होते हैं तो अपन उनको ये दवाई दे रहे होते हैं, क्योंकि ये ब्लैडर की इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे कि रात को बिस्तर गीला नहीं करते बच्चे। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं इस मेडिसिन के, इस मेडिसिन को आप ज़्यादा लेते हैं तो ये मुंह सूखने लगता है मेडिसिन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, आई का डिसऑर्डर है माइड्रियासिस, मेटालिक टेस्ट मुंह में आने लग जाता है, यूरिन का रिटेंशन, क्योंकि भाई हमने कहा ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है स्फिंक्टर मसल्स को, ड्रॉजीनेस रहने लगती है, सेडेशन कॉज कर देता है और पर्सन में वेट गेन होने लगता है। दूसरी ड्रग है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये भी डिप्रेशन को ट्रीट करने में जो एम ए ओ आईज के साथ मिल जाती है, 1950s में आई थी ये ड्रग्स। हालांकि इसका वाइडली यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग ही इसको ले पाते हैं। बस प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, GIT में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है, पूरी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होता है और एसिटाइलेशन के द्वारा ये इनएक्टिवेट भी हो जाती है। और इफ़ेक्ट्स इसका, दवाई लेने से इसका जो इफ़ेक्ट है वो लंबे समय तक बना रहता है, चाहे आपने काफ़ी समय तक इस दवाई को बाद में ना लिया हो। प्लाज्मा में एक से तीन हफ्ते तक रहने के बाद ये नहीं, दवाई 1 से 3 हफ्ते तक दिखाई नहीं भी दे रही हो तो भी ये अपना असर जो है वो दिखाती है, इसका असर हमारी बॉडी में बना रहता है। अब नेक्स्ट है MAI का क्लासिफिकेशन, तो फेनाल्जिन, आइसोकार्बोक्सेड और ट्रेनल साइप्रोमाइन इसका क्लासिफिकेशन है, ट्रेनल साइप्रोमाइन। इसके अलावा इसमें मोक्लोबेमाइड भी आती है, क्लोरजाइलिन ड्रग भी इसके अंदर आ रही होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MAI का क्या है,
कि ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है वो नर्व में और दूसरे टिश्यूज में पाया जा रहा होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज तोड़ देता है नॉर एपिनेफ्रिन को, सेरोटोनिन और डोपामिन को। और जब कभी भी ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज रुकता है तो उस वजह से नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जो है वो टूट नहीं पाते, जिससे कि इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमारे ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम्स के द्वारा, जो कि जिसके साथ ये जुड़ करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को ये परमिट भी करते हैं डिग्रेडेशन से एस्केप करने के लिए, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये इकट्ठे हो जाते हैं। बस ठीक है, इसके बाद इसी तरह से ये जो हैं ये एंटी डिप्रेसेंट एक्शन अपना दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को एक्टिवेट कर देते हैं। इस वजह से सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट ये अपना एक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट ड्रग है फिनाल्जिन। फिनाल्जिन जो है वाइट पाउडर के फॉर्म में वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल होता है, पर इथेनॉल में सॉल्यूबल नहीं होता है। इसका लो सेडेटिव प्रॉपर्टी, सेडेशन काफ़ी कम होता है। थेरापेटिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो कि दूसरे अनरिस्पॉन्सिव हैं या दूसरी TCA से उनको एलर्जी हो रही है, तो दूसरी TCA का उन पर असर नहीं हो रहा है या दूसरी TCA से उनको एलर्जी है, तो उनमें अपन ये दे सकते हैं। या जिनमें लो साइकोमोटर एक्टिविटी पाई जा रही होती है जिन पेशेंट्स में, उनमें अपन ये दवाई दे सकते हैं। या फोबिक स्टेट को ट्रीट करने के लिए भी अपन ये दवाई देते हैं। कई लोगों को काफ़ी डर लग रहा होता है, अंधेरे में डर लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से डर लग रहा होता है, तो अपन ये दवाई दे सकते हैं। एडवर्स ड्रॉसीनेस और फटिक, थकावट रहने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है पर्सन को, कब्जे की शिकायत हो जाती है, नोजिया रहेगा, हो सकता है कुछ लोगों में डायरिया हो जाए, कुछ में कॉन्स्टिपेशन, कुछ में डायरिया, कुछ में डिजीनेस हो जाता है, कुछ में BP कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि सिर हल्का हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है मेडिसिन की वजह से। नेक्स्ट कैटेगरी है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, क्योंकि आगे हर एक दवाई का फुल फॉर्म के बाद मैं शॉर्ट फॉर्म ही बताती हूँ सबकी। ये एक ग्रुप है केमिकली यूनिक ड्रग्स का जो ज़्यादा मॉडर्न ड्रग है, आजकल यूज़ में ली जा रही है। फर्स्ट ड्रग फ्लोक्सेटिन है जो 1988 में अवेलेबल हुई थी। सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट है जो अपन काम में ले सकते हैं, सबसे सेफ है वो। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, यानी एलिमिनेट शन होने की हाफ लाइफ इसकी ज़्यादा है। फ्लोक्सेटिन की हाफ लाइफ 50 घंटे है, इतनी लॉन्ग हाफ लाइफ देखिए आप। ड्रग मोस्टली किडनी से एक्सक्रीट होती है, इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स जो हैं वो फीसेस यानी स्टूल से भी पास आउट होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोक देती है प्री सिनेप्टिक सेल के अंदर, जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरोनल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। पर नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन पे ये दवाई कोई खास असर नहीं दिखाती है। 2 से 12 हफ्ते तक ली जाएगी तो मूड काफ़ी ठीक हो जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है SSRIs का? फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, प्रोक्सेटिन, फ्लोवॉक्सामाइन और साइटेलोप्राम। इसका प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा, ये साइटेलोप्राम है, इसको साइटेलोप्राम प्रोनाउंस करते हैं हम। अब इसमें फ्लोक्सेटिन जो अपन ने पढ़ी, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होती है, मीथेनॉल में ये सॉल्यूबल होती है अच्छे से, वाटर में भी सॉल्यूबल है, हालांकि अच्छे से तो नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल से ही सॉल्यूबल है, पर वाटर में अच्छे से सॉल्यूबल है। एंडोजिनस ट्रीटमेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं, डिप्रेशन में काम में आती है। 20 से 80 mg डेली की डोज इसमें दी जाती है। थेरापेटिक यूज़ डिप्रेशन में दे सकते हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी को हो रहा हो तो अपन दे रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हैं, कई लोग पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो आप ये दवाई दे सकते हो। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी किसी को हुई हो, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर किसी को हो रहा हो, फीमेल्स में देखा जा रहा होता है कि मेंस्ट्रुएशन से पहले ही उनको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनमें आप दे सकते हो। ब्लूमिया नर्वोसा के अंदर भी अपन ये ड्रग दे सकते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है। एडवर्स इफेक्ट एंग्जाइटी हो जाती है इस मेडिसिन से, इंसोमनिया, नींद नहीं आएगी, एजिटेशन, सर घूमने लगेगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन लोगों में रहने लगता है, अगर दवाई ज़्यादा ले ली तो नहीं लेनी चाहिए इसी वजह से, और वेट गेन उनमें देखने को मिलता है। अब
SAR of SSRIs, SSRIs के SAR हमारे को देखने हैं. तो इसमें क्या हो रहा होता है, देखिए मोनो सब्स्टिट्यूशन जो है पैरा पोजिशन पे अगर आ जाता है, पर हम ये क्यों देख रहे हैं, चलिए छोड़िए इस वाले स्लाइड को छोड़िए, आपके कोई ख़ास काम की नहीं है क्योंकि आप लोग फार्मा के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए स्लाइड आपके काम की नहीं थी. हम लोगों को नर्सिंग के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखने हैं. देखो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में देखिए, ये एक मिक्स्ड ग्रुप के एजेंट्स होते हैं, अलग अलग साइड्स के ऊपर बहुत तरह के अपने एक्शंस दिखाते हैं. एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स ईज डिप्रेशन बाय अफेक्टिंग केमिकल मैसेंजर्स, डिप्रेशन को ईज कर देते हैं क्योंकि केमिकल मैसेंजर पर इफेक्ट डालते हैं. ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं. मैसेंजर्स मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया गया है जो कि ब्रेन सेल्स में कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको उनके ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखा रहे होते हैं. दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह ये जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन की तरह. ये इन केमिकल्स के बैलेंस को चेंज कर देते हैं जिससे कि ब्रेन सेल मैसेजेस को भेज सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं आसानी से, और मूड जो है वो बूस्ट अप हो जाता है. इसमें ब्रिपोपायोन आता है, ट्रेजोडोन आता है और माइनसारन नाम की ड्रग्स आती हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SSRIs के जैसा ही है. सीरोटोनिन के रीअपटेक को ये रोकती हैं जिससे कि इनकी इस सीरोटोनिन की कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाती है. ब्रिप्रोपायोन जो है ये वाइट सॉलिड ड्रग होती है, वाटर और इथेनॉल दोनों में सॉल्युबल है. ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की क्लास की ये ड्रग है. SSRIs के जैसा ये एक्शन होता है और ये काफ़ी पोटेंट होती है यूज़ करने में. थेरापेटिक यूज़ जो है फ्रीक्वेंटली उन पेशेंट्स में जिनमें मेजर डिप्रेशन होता है और दूसरे इनटॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स जिनमें देखने को मिल रहे होते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वगैरह से, तो उनमें अपन ये दवाई दे सकते हैं अगर SSRIs इनको सूट नहीं कर रही हो. इसके अलावा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है अगर ड्रग जो है डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स दे रही हैं, जैसे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स किसी के हो रहे हों, वेट गेन हो रहा हो, लेस ऑफन विद ब्रिप्रोपाइन देन SSRIs, क्योंकि ये ब्रिप्रोपाइन में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, तो उस ऐसी कंडीशन में SSRIs की जगह, ऐसी कंडीशन जैसे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ दिख रहे हैं, तो आप SSRI की जगह ब्रिप्रोपायोन दे सकते हैं. एडवर्स इफेक्ट में ये एंग्जाइटी कॉज करती है, बेचैनी कॉज कर देती है, धुंधला दिखाई देगा, कब्ज रहने लगेगी, एजिटेशन हो जाएगा, मुख सूखने लगेगा और पर्सन को नोसिया हो जाएगा. एंटी डिप्रेसेंट का अगर आप डिसकंटिन्यूएशन करते हैं तो आपको धीरे धीरे इसको कम करना है, एकदम से आप पेशेंट से छुड़वा नहीं सकते. अगर आपने एकदम से छुड़वा दी तो पेशेंट्स में डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा जो कि अच्छा नहीं है. अब फाइनली क्या कंक्लूज़न निकलता है इन सब चीज़ों का, कि डिप्रेशन एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसको अपन इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं जो हमारे पास थेरेपीज अवेलेबल है उनसे. इनके साइड इफ़ेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शंस वो बैरियर्स हैं जो कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कई बार नहीं होने देते. कुछ साइड इफ़ेक्ट्स एंटी डिप्रेसेंट के रिजॉल्व हो जाते हैं कंटिन्यूड यूज़ की वजह से, जबकि दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनको अपन मैनेज कर सकते हैं अगर डोज को अपन रिड्यूस कर रहे हो या कोई दूसरी थेरेपी मिला दो तो आप उसको ठीक कर सकते हो, वरना कुछ तो ठीक नहीं होती और ज़्यादा नुकसान कर देती हैं. अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट साइड इफ़ेक्ट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ड्रग को अवॉइड कर सकते हैं अगर वो इंटरेक्ट कर रही हैं दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में, या फिर एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी को अपन ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं एक दवाई के साथ दूसरी दवाई को मिला करके, तो इस तरह से अपन इसका यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके एंटी डिप्रेसेंट नाम का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है. आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने आपके एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम आपको बता दूंगी, अभी तो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उस स्टूडेंट के पास मेरे नंबर हैं. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस अपने स्टूडेंट को, अपने क्लासमेट को जो है अपने डाउट्स मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, वो मुझे अपने आप ही आपके क्वेश्चंस बता देगा. मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके वो डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करने की कोशिश करूँगी. इसके साथ अपन ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं. इसके बाद अपने दो छुटके पुटके से टॉपिक और हैं जो अपने को करने हैं, तो आपके जो यूनिट है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी. CNS वाली यूनिट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, यहाँ पे ख़त्म है. सिर्फ एक आध टॉपिक और है. तो थैंक यू क्लास.